मुझसे भी कर लेती, मान लेता पार खुदा के, न जाने सह गए कितने सतम, सोचा तुम हकदार वफा के, हम गलती से सीख गए, कभी करना ना भरोसा उसने वालों पे, वो खुल के बता दो क्या हिसाब करोगे, और इतना चुप रह के क्या बर्बाद करोगे, और अब जो ले चुके हो तुम सब हमारा, अब क्यों याद करोगे, इतनी लाइन है भाई, ब्रो आपका बहुत इसमें गाली डालना ये इमोशंस है, मैं तो ऐसे ही बदनाम हूँ सबको पता ही है, गाली देता ही जाने जाना ऐसा क्या है तूने मुझसे जो चुराया, मुझसे पूछो जीना क्या है, इतना चाह के भी मिल ना पाया, मैंने माना दिल दुखा है, अपने हाल पे रोनाया, दुनिया जीनी सब गमाया, बस एक प्यार तेरा हिस्से ना आया, इसने तो खत्म कर दिया भाई, ये तो खतरनाक चीज है, वो ब्रेथ तो रखने ही था एंड में, मैं सोच ही रहा था मैंने भेजी थी ना ब्रेथ रिकॉर्ड में, आई सेड नो रिकॉर्डिंग ऑफ दिस वेरी रिकॉर्ड, इसी वाइब से हुआ है, एंड ही इज लाइक भाई वो रखने हां वो सच में मैं टेक दे रहा भाई, मैं इतना वो हो गया इनटू के नो, और जब मैंने सुना मैंने ये तो चीज है, वाओ नो व्हाट अ स्टार्ट टू द एल्बम, अमेजिंग ब्रो, विजुअली भी मतलब म्यूजिक वाइज भी, म्यूजिक का पैटर्न, द बॉडी लोगों के लिए बहुत यूनिक होते हुए भी बड़ा बड़ा ऐसा है कि हायर सुनी हुई है, फीलिंग्स इतनी रिच फीलिंग्स है, वो कहीं भी कोई वैसी लाइन नहीं है, कोई इंग्लिश नहीं घुसा रहे, कोई वो चीज मतलब इसकी फील अलग है बिल्कुल, और वो बिल्कुल वहां टेस्ट है इसका, मतलब बीट डाउन सुन के ऐसा होता है ये क्या कर रहे हैं, ये नॉन फिल्मिक गाने है, तो वो एक चीज है, और मेरे हिसाब से ये ब्रेक करना बहुत जरूरी है, हम हमेशा मूवीज में सुनते हैं ऐसे गाने, बट हम एज एन आर्टिस्ट को इतने ही अर्बन कर रहे हैं, और हमको हम वो ब्रेक थ्रू भी कर रहे हैं वो चीज, तो बेसिकली हम बोल रहे हैं कि नॉन फिल्म म्यूजिक आउट अपना मारने वाले सब, ये ठीक था सेट खत्म, विजुअल्स इतने क्रेजी हैं है ना, सेट इतना क्रेजी है, जो मैंने क्वींस के साथ जो गेम करा वो इतना क्रेजी है, अमेजिंग यार, नो के शॉट्स हैं वो सारे, हां ये टीम भी जो आया है हमारे शूट करने के लिए यूएस से, उनका सोच थोड़ा इनफैक्ट जो एंड में कार्ला वाला वो जो शॉट है ना वो वाला, ओ करना बंद, जो वो एंडलेस वाइट उसमें जो कपल, क्रेजी क्रेजी, मतलब कोई भी स्टोरी के अंदर कोई भी कैरेक्टर ना स्टोरी से बाहर नहीं लग रहा, ऐसे इनवाइटेड नहीं लग रहा, ऐसा लग रहा है कि सबका अपना एक पीक यू नो एक पीक और है, और वो मिलके कार्ला का अपना पार्ट है, भाई का अपना एक पार्ट आ रखा है, एंड देन मैं आता हूं वो एक अपना एक पार्ट है, वो तीनों मिलके चीजों को ना बहुत अपलिफ्ट कर रहे हैं, ये बहुत सही चीज है, इनफैक्ट जो कॉस्ट्यूम्स यूज करे गए, जो बैकग्राउंड डांसर्स के जो कॉस्ट्यूम है, और जो उनको थीम दिया गया है मैनिक्विन के साथ चीजें करने का, मतलब यूजुअली एक दूसरे के साथ करते हैं ऐसे कुछ, बट वो मैनिक्विन के साथ है, उसके उसका मतलब क्या हुआ ना कि अभी मैनिक्विंस आर नॉट एबल टू इमोट बैक, तो एक वन साइडेड हो गया, एग्जैक्टली है वो रिलेशनशिप है, हां लेकिन मैनिक्विन जो एक्सप्रेस करना चाहता है नहीं कर रहा, हां और जब वो लाइन आती ना, हम गलती से सीख गए कभी करना ना भरोसा उसने, तो उस टाइम पे वो लड़की मैनिक्विन के साथ लगी, और मैं आई एम द थर्ड पर्सन नाउ, आई यूज्ड टू बी द फर्स्ट पर्सन बट आई एम द थर्ड पर्सन नाउ, और मैं एक मैनिक्विन के आगे थे, जो मैंने तुझे दिया था वो तूने लिया नहीं,
अब तू एक पुतले के आगे वो एक्सप्रेस कर रही है और मैं खड़ा होकर देख रहा हूँ कि तू खूबसूरत थी। मैं यही गलती से सीखा कि कभी खूबसूरती पे नहीं मरना। वो उसकी फीलिंग है पूरी उस एक्सप्रेशन की गहराई देखो मैं किंग के साथ हैंग आउट करके ना मेरे भी मुंह से गाली निकलने लगी है। अभी मैं पहले इतना स्वीट इंसान इनोसेंट इंसान था, अब थोड़ा हरामी बन गया हूं है ना। किंग के साथ बैठोगे तो प्रिंस तो बनोगे ना थोड़ा सा। भाई आप प्रिंसिपल हो स्कूल के, आप स्टूडेंट नहीं हो, क्या कर रहे हो? बट अमेजिंग पूरा काम, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा जो जो आपकी एल्बम का नाम है प्लस एल्बम में जैसे गाने, ठीक है, प्लस जो स्ट्रक्चर है हर गाने का वो दूसरे से अलग है ना। और कोई भी गाना ऐसा नहीं जो समझ में नहीं आ सकता। ये सबसे बड़ा पॉइंट है, मतलब मैं सबसे पहले ये चीज सुनता हूँ, मैं अपने ऊपर भी रखता हूँ क्या समझ में आ रही है चीजें एक नॉर्मल लिसनर को। यू नो व्हाट, लोगों को जॉनर का फर्क नहीं है, लोगों को पता भी नहीं है, हमें पता है जो लोग सुनते हैं म्यूजिक उन्हें पता है कि भाई ये जॉनर है ये जॉनर है। अदरवाइज लोगों को नहीं पता, उनको क्या पता है कि यार क्या ये चीज मेरे एक बार में समझ में आई कि नहीं है। इफ दे कैन सिंग फर्स्ट टाइम हो जाता है एग्जैक्टली वो चीज। अब ये जो गाना है, मतलब इल्जाम मैं आंख मीच के कह सकता हूँ कि पहली बार में समझ में आ जाना ट्रैक है। और गाने की खासियत है कि गाना ऐसे बनाया गया है कि आपको समझ में तो आ जाएगा, आपको अलग बैठ के और समझना पड़ेगा क्योंकि इसके अंदर गहराइयां बहुत है, बहुत डीप गाना है। चलो सेट।